एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा, तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर। विपक्षी एकता को लेकर के हुई पटना में महाबैठक खत्म हो गई है। करीब 3.5 घंटे चले इस बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हुए कहा है कि इस मीटिंग के बाद अब आगे आने वाले वक्त में एक और मीटिंग होगी जो कि शिमला में हो सकती हो। इस मीटिंग के सहारे जो है विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के अब आगे बढ़ेगा कि कौन किन राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्षी बैठक में क्या कुछ हुआ उस पूरे मामले पर। और हाँ, आपने सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए, ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा, तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे, और सारे भी शासन बदल रहे हैं वो देश के हित में काम नहीं कर रहे, और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहें, तो ये सब बात हो गई है, तो इसलिए